गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज फॉर एमकॉम सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोऑपरेशन एंड विल से द डेफिनेशन व्हाट इज मीन बाय कोऑपरेशन। सो हियर द कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन वॉलंटरीली एसोसिएट टुगेदर एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन द basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves. So what is cooperation? It's a voluntary association formed for the purpose of welfare of the member of that particular society. यानी cooperation क्या है या cooperatives क्या है? एक ऐसी संस्था जिसको members लोगों ने जो है वो members के फायदे के लिए या मेंबर्स लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्थापन की गई संस्था यानी कोऑपरेशन है। इसलिए इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना है। इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी बाइंडिंग नहीं है। अगर पर्सन चाहे तो वो मेंबर बन सकता है, अगर पर्सन नहीं चाहे तो मेंबर नहीं बन सकता है, यानी कोई भी बाइंडिंग नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकेंड थिंग इज इट्स अ इक्वेलिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वेलिटी, यानी इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यानी पर्सन को जो है हर पर्सन को इक्वल बेस पे जो है वो मेम्बर्स बनाया जाता है, अगर वो उसकी इच्छा है तो। डैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेलिटी। एंड थर्ड वन इज इट्स अ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ। यानी मैक्सिमम जो कोऑपरेटिव एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स है, इट इज़ कॉल्ड एज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द देमसेल्व्स। यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो ऐसे पर्सन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो मेंबर्स लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर सके, क्योंकि इंडिविजुअल जो है अकेला इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं रहता, लेकिन कई सारे मेंबर्स अगर जो है वो छोटा छोटा अमाउंट अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत सारा अमाउंट वो एक आधे मेंबर्स को दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। बाद में वो पर्सन जो है वो मेंबर जो है थोड़ा थोड़ा करके वो पैसे वापस दे देंगे। ये प्रिंसिपल्स पे कोऑपरेटिव जो है वो एस्टेब्लिश होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, फर्स्ट वन इज दी वॉलंटरी एसोसिएशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी एसोसिएशन? वी ऑलरेडी डिस्कस द वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स इट इज़ टोटली फ्री फॉर द मेंबर्स टू ज्वाइन फॉर द कोऑपरेटिव्स और नॉट। उस पर कोई भी बर्डन या बाइंडिंग नहीं होगा, अगर उसकी इच्छा है तो वो मेंबर बन सकेगा, अगर उसको नहीं चाहिए मेंबरशिप तो मेंबर नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकेंड वन इज़ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेगा कोऑपरेटिव्स का वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स रहेगा और वही ऑब्जेक्टिव्स पे सभी मेंबर्स लोगों को काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन इज़ दी सेपरेट लीगल एंटिटी। राइट, इट इज़ कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज एज पर द लॉ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ डिफरेंट एंड पर्सन और डायरेक्टर और मेम्बर शुड बी डिफरेंट। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद अपने नाम से जो है वो सारे व्यवहार कर सकते हैं और किसी मेंबर्स के ऊपर केस डालना है तो सोसाइटी अपने नाम से डाल सकती है, या मेंबर्स को अगर कोई पिटीशन डालना है तो मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से डाल सकता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी एज पर लॉ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेपरेट एंड डायरेक्टर मेंबर्स आर टोटली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। Then service motive. Fourth one is the service motive. The basic purpose for the establishment of cooperative society is through service motive. They provide the services to the members. वो cooperative society का establishment ही इसलिए होता है कि वो members लोगों को service provide कर सके। That's why it is called as a service motive. Then number five, surplus utilization. जो भी profit का पोर्शन है वो प्रॉफिट का पोर्शन कुछ जो है 25% रिजर्व अलग रखने के बाद जो है जो भी बचता है वो डिविडेंड करके जो है वो मेंबर्स लोगों को दिया जाता है। फिर भी अगर सरप्लस कुछ बचता है तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है।
नंबर सिक्स जो है मेंबर्स लाइबिलिटी। अब मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेंगी, अगर वो मेंबर्स के वो सोसाइटी में 50,000 रुपये है और अगर इनकेस कुछ होता है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब जाती है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेंगी। तो इसमें दोनों टाइप है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है और लिमिटेड लाइबिलिटी भी है। ये देखना है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लाइबिलिटी में है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में है। जनरली जो है वो मैक्सिमम सोसाइटी का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी से ही है। यानी अगर कुछ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर डूब गई तो मेंबर्स के जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं उतने ही डूबेंगे, उसकी पर्सनल असेट जो है वो लोन पेमेंट के लिए ली नहीं जाएंगी। तो मेंबर्स लाइबिलिटी हो गया। नंबर सेवन जो है वो लिमिटेड रिवार्ड्स। अब लिमिटेड रिवार्ड्स का मतलब ये है कि जो भी रिवार्ड्स मिलना है या जो भी प्रॉफिट मिलना है या जो भी डिविडेंड मिलना है वो ये ऑब्जेक्टिव्स करके रखा गया है कि उस वो लिमिटेड मिले। यानी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिविडेंड देना है करके ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं है। कि रीजनेबल डे आउट टू मेक अ रीजनेबल प्रॉफिट एंड पे अ रीजनेबल डिविडेंड टू दी मेंबर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द लिमिटेड रिवार्ड्स। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम डिविडेंड देना है तो बहुत प्रॉफिट कमाया जाए और मैक्सिमम डिविडेंड दिया जाए, ऐसा नहीं है। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू मेक अ रीजनेबल प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट्स अ लिमिटेड रिवार्ड टू दी मेंबर्स। नंबर एट वन इज दी गवर्नमेंट कंट्रोल और दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अंडर दी कंट्रोल ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गिव्स दी डायरेक्शंस टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट इज़ बाइंडिंग फॉर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी टू फॉलो दी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाई दी स्टेट गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ गवर्नमेंट कंट्रोल। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही उनको काम करना पड़ता है। और इतना ही नहीं तो उनकी जो है वो बैलेंस शीट जो है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट ही चाहिए। उनको बैलेंस शीट का कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा जो है ऑडिट करके गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। इट इज़ बाइंडिंग फॉर एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा मनमानी कारोबार कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कर सकती है। एज़ पर दी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट ही उनको जो है वो काम करना पड़ता है। उसके बाद में नाइन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोऑपरेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, यानी कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता है, तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोला है, क्योंकि वन पर्सन वन वोट, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। मेंबर्स इलेक्टेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर जो है, हर मेंबर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट नहीं देख सकता, इसलिए जो है वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो है वो मेंबर्स जो है वो दे हैव टू इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। इनकेस अगर कुछ बड़े डिसीजन लेना है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दे हैव टू टेक द ओपिनियन फ्रॉम दी मेंबर्स एंड आफ्टर दैट कंसल्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक दी डिसीजन। यानी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कहा गया है कि एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है, जो सभी मेंबर्स मिलके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, लेकिन वो खुद अकेले डिसीजन नहीं लेता। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद में ही डिसीजन लेते हैं। जब उनको लगता है कि मेंबर्स लोगों का भी ओपिनियन लेना है तो वो मेंबर्स लोगों से भी कंसल्ट करते हैं और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपको इतना ध्यान में रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, और ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, सर्विस मोटिव, सरप्लस यूटिलाइजेशन, मेंबर्स लाइबिलिटी, लिमिटेड रिवार्ड्स, गवर्नमेंट कंट्रोल, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिलेगा तो इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।